इस रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ICSE सीरीज पसंद आ रही होगी। इस सीरीज को अपने स्कूल के फ्रेंड से, अपने सोशल अकाउंट से प्लीज शेयर करिए ताकि हमारी फैमिली और बड़ी और बड़ी और बड़ी हो जाए और मैथ्स डैडी आपको बहुत सारे फीचर्स दे पाए। राइट, डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको वर्कशीट भी तो करनी है। ओके दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से। यहां पर हम लोग बात करने वाले हाफ ईयरली वाले कॉन्सेप्ट की। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनर को ये टॉपिक पसंद है, फेवरेट भी बोल सकते हैं इसको आप। यहां पर आप अभी तक क्या करते थे कि अगर आपने कोई टाइम ड्यूरेशन दे दिया है, 3 साल का दे दिया है या 5 साल का दे दिया है, तो और आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, मान लेते हैं 10% दे दिया है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पर ईयर के हिसाब से काउंट करते थे। मतलब आप हर बार जो आपसे लोन ले रहा है उसको बता देते थे कि दोस्त तेरा इतना परसेंटेज पर हम लोन दे रहे हैं और 1 साल के हिसाब से आपको काउंट करना पड़ेगा। लेकिन कई बार कुछ चीजें और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अब वो इंसान क्या तेज हो गया है दिमाग से, अब वो बोल रहा है मैं इस रेट पर तुझे लोन दे रहा हूं लेकिन ये कंपाउंडेड ईयरली नहीं रहेगा, ये रहेगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब मैं तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारा ब्याज साल में 1 बार नहीं, साल में 2 बार काउंट करूंगा। इस तरह से एक क्वेश्चन सामने दिया हुआ है आपको, What sum of money will amount to 27,783 rupees? मतलब आपको पहले given लिखना आना चाहिए कि भाई ये है क्या, ये बोल रहा है कितना मनी लोगे लोन पर कि वो 27,783 बन जाएगा। बन जाएगा मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, ये ए अमाउंट है, ये ए इज इक्वल टू 27,783। राइट, आपको इसमें प्रिंसिपल निकालना है दोस्तों। अब किसमें टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया है इसमें फ्रैक्शन में। मतलब अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हुए हैं तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन में 2 चीजें जरूर देखो। पहली बात तो टाइम, जो कि यहां पर 1.5 दिया हुआ है, मतलब फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन मतलब गड़बड़ होने वाली है। और यहां पर बोला गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ दो, ये दो जो है आपके की पॉइंट है जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। ये 2 चीजें तो ध्यान में देनी ही पड़ेंगी। अब टाइम लिख लेते हैं हम लोग 1.5 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%। राइट, अब 10% जो है ये रेट है पर एनम का, 10% रेट अगर पर एनम का है और अगर मैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलूंगा तो आपके दिमाग में ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि यार 10% पूरे साल का है तो आधे साल का क्या होगा, 10/2। तो एक चीज तो क्लियर है आपके दिमाग में, जो मेरे पिछले वीडियोस में भी क्लियर थी आप लोगों को, कि मैं हमेशा जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती थी तो मैं उसको 10/2 मतलब रेट बाय 2 करता था। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। इस क्वेश्चन को 2 तरह से करेंगे हम लोग, एक तो यूजिंग फॉर्मूला और दूसरा विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, क्योंकि आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए विदाउट यूजिंग फॉर्मूला भी हम थोड़ा समझेंगे लेकिन अभी सिर्फ यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी 1+R/100 टू द पावर n। यहां पर मैं आपको बता दूं क्योंकि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन है तो n जो रहेगा आपका हमेशा 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 कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन में 2n रहेगा। राइट, 2n रहेगा। और आपको बता दूं इस फॉर्मूले में रेट भी हमेशा R/2 रहेगा। ये आपको याद कर लेना है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन में आपका रेट बाय 2 चलेगा और यहां n की जगह 2n चलेगा। अच्छा, अब आपका n क्या है, n है आपका 1/2 मतलब 3/2 बोल सकते हैं इसको, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप कुछ इस तरह से। याद रखिएगा, मैंने यहां पर भी पूरा टेबल बनाया हुआ है, आपको बता दूं कि किस तरह सॉल्व किया जाता है। यहां पर आपको साफ साफ दिया हुआ है कि यहां पर अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ईयर के लिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली का निकालना है आप लोगों को। क्या कहा था मैंने, रेट हमेशा डिवाइड होगा 2 से और जो भी टाइम रहेगा टाइम डिवाइड मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 1 × 2। राइट,
अगर मान लीजिए 1/1/2 मतलब यही वाला केस आ गया तो आप क्या करेंगे, a इज इक्वल टू, टाइमिंग क्या है 1/1/2 मतलब 3/2 इंटू 2। याद रखिएगा आपका काम मैं आसान ही कर रहा हूं, पावर में अगर आपकी पावर फ्रैक्शन आ जाए तो हालत खराब हो जाए। अगर मैं उसको 3/2 ही छोड़ देता तो कितनी दिक्कत आती, सॉल्व कर पाते 3/2 दिक्कत आती ना। तो यहां पर आपको ऐसे करना है, ठीक है राइट, 2 into 2 और यहां पर क्या होगा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। तो इससे आपको पूरी चीजें आराम से बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहां पर भी यही हुआ, इसको अब आराम से सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर आप देखिए कि आप 21 का क्यूब निकालेंगे तो आएगा 9261। यहां पर आपकी वैल्यू आ गई है और इसके बाद आप P की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, जो कि आएगा 24,000। मैं यहां पर लिख देता हूं इसका आंसर। सो आई होप दिस होल पार्ट इज क्लियर। तो ये तरीका है जब आप फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे ही फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपके लिए सबसे आसान काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला यूज करना मेरे ख्याल से सबसे आसान है। आपको यहां पे दिख रहा है कि आपको फॉर्मूला यूज कैसे करना है, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि हाफ ईयरली के केस में क्या होना है। आपको एक बात और बता दूं, जो मैंने इसका पिछला वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने कंपाउंडेड ईयरली वाले क्वेश्चन कराए थे, बट विथ जो टाइम था, ड्यूरेशन था, वो फ्रैक्शन में था, उसको मैंने ब्रेक किया था क्योंकि वहां पर से 3/2 था। तो 3/2 में क्या करता था मैं, 1/1/2 में 1 ईयर का पहले निकालता था और हाफ ईयर का बाद में निकालता था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियरली रखना। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार और देख लीजिए उसको, वहां पर भी मैंने ऐसे टेबल समझाया था ताकि आपको क्लियर रहे कॉन्सेप्ट की क्या है, क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आना चाहिए करना क्या है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में ले जा रहा हूं और मैं ये मान के चल रहा हूं कि मुझे प्रिंसिपल दिया था मुझे अमाउंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, पर पहले इसको नोट कर लीजिए। आपका आंसर जो प्रिंसिपल का है वो है 24,000, राइट। अगर ये प्रिंसिपल होता, ठीक है, और मैं आपसे बोलता कि अमाउंट अब नहीं दिया है, ठीक है, और मैं आपसे बोलता भाई कि अमाउंट निकालो और प्रिंसिपल में गिवन कर देता 24,000, तो कैसे करते। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि भाई जब भी वो आपसे बात करेगा एक साल की, और अगर मैंने बोल दिया हाफ ईयर, तो आप इसको क्यों करते हैं 2n, क्योंकि 1 ईयर में 2 6-month होते हैं, राइट। इसलिए मैंने यहां पर 1n = 1 डाला था और इंटू 2 कर दिया था, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं 18 month की, तो 18 month में क्या मैं 18/2 करूं, क्या मैं इसको 9 और 9 करूं, बिल्कुल नहीं। 18 month का मतलब होता है कि इसमें कितने हाफ ईयर है, 3 हाफ ईयर है, इसीलिए मैंने यहां पर 2n किया हुआ है, क्योंकि n क्या है आपका 3/2, अरे 18 month को क्या बोलते हैं 3/2, और यहां पर क्या हुआ 2 और 2 कैंसिल, तो पावर क्या बची 3 बची, इस तरह समझिए इसको आप। और अगर मैं इसको विदाउट फॉर्मूला करने वाला हूं तो कैसे करूंगा, ये भी ध्यान सुन लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट मतलब P into R into T/100। अब भैया आपको पहले निकालना है फर्स्ट ईयर का, फिर निकालना है सेकंड, और फिर निकालना है थर्ड। मैं आपको बता दूं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है। फर्स्ट ईयर मतलब पूरा साल नहीं, असल में जो 1.5 साल का टाइम दिया हुआ है, 1.5 साल में असल में आपके कंपाउंड इंटरेस्ट को 3 बार कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो जब आप लेंगे यहां पर, तो P तो रहेगा आपका 24,000, रेट रहेगा 10, टाइम रहेगा आपका क्या, आप सोचिए खुद, टाइम रहेगा आपका 1, और यहां पे 2 into 100 हो जाएगा। यहां पर जो भी आपका अमाउंट मतलब इंटरेस्ट आएगा उसको प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट बनेगा, वो अमाउंट अब अगले हाफ ईयर के लिए रहेगा प्रिंसिपल बनके, और फिर जो इंटरेस्ट आएगा उसको फिर से आपके
प्रिंसिपल में ऐड करके जो नया अमाउंट बनेगा वो आपका फिर थर्ड प्रिंसिपल रहेगा। इस तरह से आप स्टेप वाइज करते हैं, आपको उसके बाद मिलेगा 27,783 रुपीज। तो ये तरीका है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला वाला मेथड बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। और जिस तरह से हम 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में निकाल के सिखाया था आपको, वैसे ही हाफ ईयरली में 1 साल में ही 2 बार निकाल लेंगे। मतलब आपका 1 साल में ही प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, इंटरेस्ट ऐड होके उसमें नया प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने एक बहुत ही आसान सवाल है जिसमें हमको निकालना है कि हमारा प्रिंसिपल क्या था। प्रिंसिपल क्या था जब आपने 2 साल के लिए वो अमाउंट लिया था, मतलब 2 साल के लिए आपने उस प्रिंसिपल को उधार लिया था, 4% का उस पर इंटरेस्ट लग गया था और आपको इंटरेस्ट मिला 340 रुपीज। और क्या है ये है बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट। सेकेंड पार्ट पर हम बाद में आएंगे, पर फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ मनी, इट मींस दे वांट अस टू फाइंड प्रिंसिपल, राइट? तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रिंसिपल? सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है वहां पे। सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? 340 रुपीज। तो इसी फॉर्मूले में के साथ मैं आपको बता दूं फिर से कि आपको हमेशा गिवन लिखना जरूरी है, फॉर्मूला टू बी यूज लिखना जरूरी है, सब्स्टिट्यूशन अच्छे से दिखाना जरूरी है वैल्यूज का, और उसके बाद कैलकुलेशन, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, ये पूरी स्टेप रहेंगी तब आपको नंबर मिलेंगे। अदरवाइज कुछ भी कट सकता है, मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है? इसी फॉर्मूले में पी निकालना है, इसलिए मैं पी को यहां छोड़ के सब कुछ वहां भेज रहा हूं। तो भैया फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है, फर्स्ट पार्ट में आपको प्रिंसिपल निकाला था, आपने निकाल दिया। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है द सम, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम, मतलब ये जो इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है अब, ठीक है, फिर से सब कुछ वही रहेगा, बस ये रहेगा कि टाइम क्या है आपका 1 ईयर और उसको कंपाउंडेड करना है आपको हाफ ईयरली। भैया फॉर्मूले तो याद है ना, फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए आपको। क्या है फॉर्मूला? A is equal to P 1 plus R by 2 into 100, याद रखिएगा 2N। जी, ये चीज याद रखिएगा कि आपके हाफ ईयरली वाले फॉर्मूले कुछ इस तरह से रहते हैं, ठीक है? और ये मैंने रीजन बता दिया कि क्यों होते हैं, ठीक है? अब डालते हैं इसमें। So this is your final amount, right? पर वो क्या आपसे फाइनल अमाउंट मांग रहा है? नहीं, वो आपसे मांग रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट? 4421.70 माइनस 4250। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका सेकेंड वाला आंसर भी आ जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, नोट इट डाउन। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और अब आप लोग वर्कशीट जरूर सॉल्व करेंगे, या तो मेरे साथ कर लीजिए, कोर्स है आपका ऐप पर, उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाते हैं। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्योंकि हमारा स्कोर 100% ही है, इससे कुछ भी कम नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं, इजाजत दीजिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know.